पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के जम्मू कश्मीर के खिलाफ वाले बयान के बाद कई लोगों ने अफरीदी की जमकर आलोचना की। साथ ही भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी अफरीदी की खूब खबर ली। गंभीर ने तो अफरीदी का दिमाग 19 साल के बराबर बता दिया। अब चौतरफा आलोचना में घिरने के बाद शाहिद अफरीदी ने एक और ट्वीट किया और लोगों से मानवता दिखाने की अपील की। साथ ही अपने एक फैन के साथ भारतीय तिरंगा पकड़े हुए एक तस्वीर भी शेयर की। शाहिद अफरीदी ने लिखा, हम सभी का आदर करते हैं, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर यह एक उदाहरण है, लेकिन जब बात मानवाधिकार की आती है तो हम सभी अपने मासूम कश्मीरियों के लिए एक ही उम्मीद रखते हैं। इससे पहले शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था, भारत अधिकृत कश्मीर में दुखद और चिंताजनक हालात हैं। ये देखकर आश्चर्य होता है कि यूनाइटेड नेशन और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहां हैं और संस्थाएं इसे रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी शाहिद अफरीदी को उनके इस ट्वीट को लेकर एक मजेदार जवाब दे डाला। गौतम गंभीर ने लिखा, अफरीदी के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का मतलब अंडर-19 से है, उनके बयान से मीडिया को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब गंभीर के बयान के बाद अफरीदी पलट गए हैं और अब डायल्यूटेड बयान दे रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।